नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो भाषा और मो साहित्य चैनल को समस्त को स्वागत। आज आम प्लस टू सेकेंड इयर राजनीति विज्ञान द्वितीय अध्याय आलोचना करिबा। आम तो प्रथम अध्याय आलोचना कर सारी, आज आलोचना करिबा राजनीति विज्ञान द्वितीय अध्याय राजनैतिक दल एवं राजनैतिक दल आम देखा। आज गणतंत्र में राजनैतिक दल कौन महत्व रही, राजनैतिक दल अर्थ आ राजनैतिक दल लक्षण आज आलोचना करिबा। ताहले आम आलोचना करिबा कौन ना राजनैतिक दल, राजनैतिक दल उपरे आम आलोचना करिबा। कौन पढ़िबा आम ना भारतर दलीय व्यवस्था, तार अर्थ, तार प्रकार, एक दलीय आधिपत्य, मेंटो राजनीति एवं आंचलिक दल। कौन जानिबा ना राजनैतिक दल विषय जानिबा, राजनैतिक दलर संज्ञा विषय जानिबा, राजनैतिक दलर लक्षण विषय जानिबा, राजनैतिक दलर कार्य विषय जानिबा एवं दलीय व्यवस्था बा राजनैतिक दलर श्रेणी विभाग उपरे मध्ये आमे आलोचना करिबा। आज आमे देखिबा कौन ना गणतंत्र रे राजनैतिक दलर महत्व एवं राजनैतिक दलर अर्थ आमे आज आलोचना करिबा। ताले देखिबा आमर कौन से राजनैतिक दल, एक राजनैतिक व्यवस्था रे जे कोनोसी एक गोष्ठी क्षमता हासिल एवं व्यवहार करने संगठित होता है ताको कहुए राजनैतिक दल। एक राजनैतिक व्यवस्था रे कोनोसी एक गोष्ठी क्षमता हासिल एवं व्यवहार करने संगठित होता है ताको कहुए राजनैतिक दल। एटा शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो मने रखिथाओ जे राजनैतिक दल काहाकु कुहा जायथाय। कौन ना एक राजनैतिक व्यवस्था रे जे कोनोसी एक गोष्ठी क्षमता हासिल एवं व्यवहार करने संगठित होता है ताको कहुए राजनैतिक दल। जेकोसी गोटे गोष्ठी से क्षमता हासिल करने व्यवहार करने संगठित होता है दलबद्ध होता है ताको कहुए राजनैतिक दल। बुझला एबे देखिबा आमर कौन ना गणतंत्र रे राजनैतिक दलर महत्व, आमर गणतंत्र शासन रे राजनैतिक दलर कौन महत्व रही आलोचना करिबा। गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे राजनैतिक दल माने एक मुख्य भूमिका ग्रहण करिथांती। एही गणतांत्रिक शासन रे बा शासन व्यवस्था रे एही राजनैतिक दल मानकर गोटे मुख्य भूमिका रही थाए। एमानक बिना प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था आदौ कार्य करना, कौमानक बिना एही राजनैतिक दल मानक बिना कौनसी मध्ये प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था आदौ कार्य करना। इतिहास रु जणा जाय जे राजनैतिक दल गुड़िक गणतांत्रिक व्यवस्था अंश विशेष भाव जन्मलाभ करछंती। इतिहास रु कौन जणा जाय ना जो राजनैतिक दल गुड़िक गणतांत्रिक व्यवस्था अंश विशेष भाव जन्मलाभ करछंती। दलीय व्यवस्था आधुनिक समाज को इंग्लैंड अवदान कहले अत्युक्ति हो ना, एवं ये दलीय व्यवस्था आम आधुनिक समाज को कहार अवदान कहले अत्युक्ति हो ना, इंग्लैंड अवदान कहले अत्युक्ति हो ना। यहाँ मत शॉर्ट क्वेश्चन आसवे जो दलीय व्यवस्था आधुनिक समाज को कहार अवदान कहले अत्युक्ति हो ना, ना इंग्लैंड अवदान कहले अत्युक्ति हो ना। इंग्लैंड संसदीय गणतांत्रिक व्यवस्था प्रारंभ रु यही दलीय शासन व्यवस्था अयरम्भ होता केवे यार अयरम्भ होता आरंभ होता ना इंग्लैंड संसदीय गणतांत्रिक व्यवस्था प्रारंभ रु से जो जो इंग्लैंड जिते बड़े संसदीय गणतांत्रिक व्यवस्था आरंभ होता सेतु यही दलीय शासन व्यवस्था अयरम्भ होता। विंश शताब्दी प्रारंभ रु यही दलीय शासन व्यवस्था पृथ्वी प्राय समस्त गणतांत्रिक राष्ट्र संपूर्ण भाव विकसित हो सारी, एवं यही विंश शताब्दी प्रारंभ रु यही दलीय शासन व्यवस्था कौन करा ना पृथ्वी प्राय समस्त गणतांत्रिक राष्ट्र में संपूर्ण भाव में विकसित हो सारी, चार खेली जाइला। एम बिना गणतंत्र को कार्यकारी करने कथ आद चिंता करपे क्या बिना यो राजनैतिक दल मान छाड़ीदे गणतंत्र को कार्यकारी करने आदौ चिंता करपे से यथात दल ना तो गणतंत्र ना से कहुई कौन जदि आम दल ना तो गणतंत्र यहाँ थी आमर कौन ना गणतंत्र में राजनैतिक दलर महत्व। एबे देखिबा आमर कौन ना राजनैतिक दलर अर्थ, राजनैतिक दलर अर्थ कौन आम एवं आलोचना करिबा। साधारणतः राजनैतिक दल कहले सामाजिक हित विषय एक प्रकार मतावलंबी, जदि साधारणतः आम राजनैतिक दल बोली कहिबा ताहले कौन आम बुझा ना सामाजिक हित विषय रे समाज रे हित विषय रे एक प्रकार मतावलंबी, लोकों द्वारा गठित संघ जहाँ माध्यम से माने निजर उद्देश्य हासिल करने को चेष्टा करिथांती। राजनैतिक दल अर्थ कौन ना लोकों द्वारा गोटे संघ गठित हो लोक मानक गोटे संघ गठित होम से निजर उद्देश्य हासिल करने चेष्टा करेंगे से ही हूँ आम राजनैतिक दल अर्थ।
अन्य शब्दर से ही समभावपूर्ण व्यक्ति मानकर समष्टि बा समाहार जो माने समाज सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक तथा सांस्कृतिक समस्या गुड़िकर उत्पत्ति और समाधान मार्ग संबंध में एकमत और लक्ष्य हासिल निमित्त मिलित भाव में कार्य करने को सहमत। जदि आम आउटे शब्द में कह राजनैतिक दल विषय से कौन हम ना से ही समभावपूर्ण सामान भाव या व्यक्ति मानकर एकमत या व्यक्ति मानकर समष्टि बा समाहार जो मैंने कौन करती ना समाज सामाजिक हो बा अर्थनैतिक हो बा राजनैतिक हो तथा सांस्कृतिक मध्य हो जो समस्या गुड़िक रही भितर तार उत्पत्ति से समस्या गुड़िक उत्पत्ति किपर हो तार समाधान मार्ग किपर बाहर करा से ही संबंध से कौन करती एकमत दे था से लक्ष्य गोटे होता है एकमत से लक्ष्य हासिल मिलित भाव में कार्य करने को सहमत होता से हूँ आम राजनैतिक दल। ये जो राजनैतिक दल को लेकिन विभिन्न समालोचक भिन्न भिन्न मत पोषण करोचना करवा यह समस्ते टीपी नहीं था यहाँ आम सर्ट क्वेश्चन भी आसपे लंग क्वेश्चन भी आसपे जे ये जो समालोचक मैंने जो राजनैतिक दल उपर कौन कौन सब मत दे आलोचना कर देखा कौन अच्छी डॉक्टर बी मुंड्रो मतरे राजनैतिक दल बिना कौन स्थान में मुक्त सरकार गठन संभव नुह किए मत डॉक्टर बी मुंड्रो कौन मत दे जो राजनैतिक दल बिना अर्थात राजनैतिक दल को छाड़ीदे कौन स्थान में मुक्त सरकार गठन करवा संभव नुह यही दलगुड़िक जनसाधारण और सरकार मध्य जोगसूत्र रक्षा करती जो राजनैतिक दलगुड़िक कौन करती ना जनसाधारण और सरकार मध्य जोगसूत्र रक्षा करती तेणु राजनैतिक दल बिना कौन स्थान में मुक्त सरकार गठन करने संभव नुह एटा कार मत थिला ना डॉक्टर बी मुंड्रो मत थिला। द्वितीयटी कौन अच्छी एडमंड बर्क मतरे दले व्यक्ति जितेबाला से चिंता तथा नीति द्वारा जातीय स्वार्थर अभिवृद्धि साधना पर एकाठी होता आम ताक एक राजनैतिक दल बोली कहू किए दे मतटी एडमंड बर्क तांकर मतरे कौन ना दले व्यक्ति व्यक्ति गोष्ठीबद्ध होकि दलबद्ध होकि जितेबाला कौन करती से चिंता तथा नीति द्वारा से चिंता एकमत थाए नीति से गोटे प्रकार थाए से चिंता आउ नीति द्वारा कौन करती ना जातीय स्वार्थर अभिवृद्धि साधना पर एकाठी होता आम कहू कौन ना राजनैतिक दल। तृतीयटा अच्छी कौन मार्क आइवर मतरे एक संगठन निजर नीति तथा आदर्श को सांविधानिक उपाय राष्ट्रनीति सह सामिल करने उद्यम करे तेबे राजनैतिक दल कहुए राजनैतिक दल का कहुए बोली मार्क आइवर मत दे ना एक संगठन गोटे संगठन निजर नीति तथा आदर्श को सांविधानिक उपाय सांविधान जो नीति अच्छी नियम अच्छी तार जो प्रणाली अच्छी से ही नीति आदर्श को धरिकी गोटे संगठन कौन कर सही उपाय राष्ट्रनीति सह सामिल करने उद्यम करे कहुए राजनैतिक दल। आउ किए कौन कहते अध्यापक गिलक्रिस्ट कहते जे राजनैतिक दल हेउची संगठित नागरिक मानकर अनुष्ठान जो माने निजर राजनैतिक विचार द्वारा प्रभावित हो एक संगठन माध्यम सरकार को नियंत्रण करी राजनैतिक दलर मुख्य उद्देश्य हूँ तार गृहत राजनैतिक आदर्श और नीति को जनसाधारण समर्थन द्वारा कार्यकारी करवा अध्यापक गिलक्रिस्ट कौन मत दे ना जे राजनैतिक दल हेउची राजनैतिक दल हेउची कौन ना संगठित नागरिक मानकर एक अनुष्ठान ये जो नागरिक माने जो माने दलबद्ध होता गोटे संघबद्ध होता से संघबद्ध संगठित नागरिक मान गोटे अनुष्ठान जो माने कौन करती ना निजर राजनैतिक विचार द्वारा प्रभावित होकि एक संगठन माध्यम सरकार को नियंत्रण करी राजनैतिक दलर मुख्य उद्देश्य हूँ कौन तार गृहत राजनैतिक आदर्श और नीति को जनसाधारण समर्थन द्वारा कार्यकारी करवा यार मत दे किए अध्यापक गिलक्रिस्ट एवं शेषर आउ कौन अच्छी देखा आधुनिक राजनीति विज्ञानी मॉरिस दुबर्जर राजनैतिक दलगुड़ी को मुख्यतः सांगठनिक व्यवस्था रूपे विचार करी कहते जे राजनैतिक दल हूँ दले व्यक्ति समाहार जो माने से संगठन माध्यम क्षमता हरण करने राजनैतिक व्यवस्था को ताकू कार्यकारी करते आमर आधुनिक राजनीति विज्ञानी किए मॉरिस दुबर्जर कौन कहते ये जो राजनैतिक दलगुड़ी से कौन कर मुख्यतः सांगठनिक व्यवस्था रूपे विचार करो राजनैतिक दल हूँ कौन ना दले व्यक्ति जड़े ना दल व्यक्ति कौन ना समाहार जो मैंने से कौन ना संगठन मध्यम क्षमता हरण करने राजनैतिक व्यवस्था ताकि कार्यकारी करते हूँ राजनैतिक दल ये मतलब किए देखते ना आधुनिक राजनीति विज्ञानी
ମରିଷ ଦୁଭର୍ଜର। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଷୟରେ କେହି କ'ଣ ସବୁ ସଂଜ୍ଞା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ରାଜନୈତିକ ଦଳର କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ରହିଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ମତକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ନିର୍ମିତ କେତେକ ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଧାରଣା କରିପାରିବା। ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନମାନେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କଲେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଫଳରେ ଯାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ନିମ୍ନତ କେତେକ ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବା ବା ଧାରଣା ମିଳିଯିବ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ରହିଥାଏ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏହା ଦଳର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଥାଏ। ଏହି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କ'ଣ କରେ ନା ଦଳର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଥାଏ। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସମଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଂଗଠନ। ଏହି ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ସମଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କ'ଣ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଂଗଠନ, ଯେଉଁଠି ଏକ ପ୍ରକାର ମନ ଏକ ପ୍ରକାର ମତ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସଂଗଠନ। ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଦଳବଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସଂଗଠନ। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନର ମାର୍ଗ, ସମ୍ବିଧାନର ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଏହି ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ ଫୋର୍ କ'ଣ, କ୍ଷମତା ଲାଭ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନା କ୍ଷମତା ଲାଭ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତାଟା ପାଇଯାଇଥାଉଛନ୍ତି ସେହି କ୍ଷମତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ସାଧାରଣତଃ ଦଳର ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତୃବୃନ୍ଦ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଦଳର ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତୃବୃନ୍ଦ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି। ନେତୃବୃନ୍ଦ ମାନେ ନେତାବୃନ୍ଦ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣ କର୍ମୀମାନେ କେବଳ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଗଧାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ରହିଥାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ କର୍ମୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେହି ନେତାମାନଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ ସିକ୍ସରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ନିଜ ଦଳର ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରିନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କାହା ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବା ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ନେଇକି କ'ଣ ସବୁ ମତ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକି ଥାଉ। କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।